हेलो माय डियर ब्लॉगीज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। मैं आज बना रही हूँ डिनर में कढ़ी, पालक और मेथी कढ़ी। पकोड़े नहीं डालूंगी, कुछ लोग पकोड़ी भी कहते हैं लेकिन मैं पकोड़े कहती हूँ, तो मैं पकोड़े नहीं डालूंगी। देखते हैं आइए कैसे बनाते हैं। ये है दही, तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, तो ये मैं दही इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ। ये कर दिया मैंने। अब इसमें मैं थोड़ा सा पहले इसको मैं मथ लेती हूँ अच्छे से। दही कुछ दिन से रखी थी तो खाने में नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा चलो कढ़ी भी नहीं खाई काफी दिन से, तो कढ़ी बनाई लेते हैं। मैं डाल रही हूँ ये बेसन 4 टेबल स्पून ऑलमोस्ट। तो ये निकाल लेती हूँ, इसकी जो स्पून है ये मैं इसमें 4 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ। एक बार दिखाओ, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हमारा 4th स्पून। तो मैंने इसमें 4 चम्मच वो डाल दिया है बेसन। ये मैं इसको अलग रख देती हूँ, ये हमारा काम हो गया, इसको रख देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक, तो डलेगा नहीं, हल्दी, नमक बाद में डालेंगे, मीन्स ऐसा नहीं कि नमक डलेगा नहीं। ये हल्दी डाल दी मैंने, पास से दिखाओ, ये इतनी छोटी सी चम्मच है। हल्दी मैंने 1.5 चम्मच डाल दी, 1.5 से थोड़ा ज़्यादा, वो अपने अंदाज से है। कुछ लोगों को पीली कम पसंद होती है, कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा पीलापन चाहिए होता है। बहरहाल हल्दी डाल देना मतलब डाल देना ठीक रहता है, वाइट तो खैर खानी नहीं होती किसी को। तो ये हो गया, ये कर लिया मैंने अच्छे से मैं। और मुझे डालना है, मैं जो भूल रही हूँ, ये धनिया, देखिए दिख रहा है पास से देखो, ये बहुत छोटी चम्मच है ये प्लास्टिक की, बाकी हल्दी की मैंने अलग रखी है। ये धनिया हो गया और फिर ये मिर्ची हो गई, ये कुटी हुई मिर्ची डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच, थोड़ी कम डालूँगी, बाद में मैं ऐड करूँगी, ठीक है, बाद में भी मिर्च डलेगी तड़के में भी। तो ये सारे ये मसाले मैंने डाल दिए, 3 मसाले नमक के अलावा और थोड़ी सी हींग, हींग भी 2 बार डलेगी। तो सिंस दिस हींग इज स्ट्रॉन्ग, तो ये थोड़ी इतनी अभी डाल रही हूँ, इतनी ही बाद में डाल रही हूँ। तो फाइनली मैंने डाला हल्दी, धनिया पाउडर, ड्राई धनिया पाउडर कुटा हुआ, और हींग, मिर्ची, ये मैंने तैयार करते समय इसका डाला, जितना स्मूथ हो जाए। और आप छाछ का बना सकते हैं, वो हल्का उसमें ऑलरेडी खट्टापन होता है तो और अच्छी बनती है। ये है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ, धीरे धीरे पानी ऐड करूँगी इसमें। आपको जो आवाज़ अगर आ रही है तो पानी आरओ से फिल्टर से ड्रम भरा जा रहा है। ये है, तो
ये है, पानी तो और भी डलेगा, तो मैं धीरे धीरे पहले इसको मिक्स कर लूँ, नहीं तो ज़्यादा पानी एक साथ डाल दो ना किसी भी गाढ़े घोल में, तो फिर वो घोल टाइम लगता है, उसको पकड़ना पड़ता पानी में, उसको मिलाने के लिए लम्प जो उसके बन जाते हैं। तो ये देखिए ऐसा हो गया, अब इसमें मैं और पानी डाल दूँ, तकरीबन ये दिखाओ बेटा इधर, ये है इतना पानी, विस्क मेरे पास है विस्क, लेकिन अभी देख नहीं रहा मुझे, ये हो गया। और अब मैं गैस ऑन करती हूँ, मेरी कढ़ाई इधर तैयार है, गैस तेज आग पे रखूँगी, ये गैस ऑन हो गई, अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन मस्टर्ड ऑयल 2 टेबल स्पून, आप कोई भी तेल डाल देते हैं, डाल सकते हैं अगेन जो आपको लगे कि हमें डालना, बस ये मैंने डाल दिया तेल, तो अब इसको हम गरम करेंगे और पत्ता में ये ले लेते हैं, पानी अभी इसमें और डलेगा, फिलहाल अभी इतना ही डालेंगे, छींटे भी आएंगे और फिर पता भी लग जाएगा कि हमें कितना पानी चाहिए, इतना तो जज्ब हो ही मतलब उसमें लग खप ही जाएगा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं डालना, खुला ही रहे अभी, है ना, मैंने पानी बंद कर दिया है, पानी बंद कर दिया है तो आवाज़ बहुत कर रहा था, फिर भी भर भर भरने वाला है, बाकी का मैं बाद में भरूँगी रेस्ट ऑफ द ड्रम। अभी हम ये जो आपको बता रहे हैं वो जिससे ठीक से बता सकें बिना किसी शोरगुल के, फीडबैक देते रहिए, अपने कमेंट्स करते रहिए, धुआं देखिए जल गया है तेल ऑलमोस्ट, थोड़ा सा कम कर रही हूँ, मीडियम पे किया है मैंने, मेरा तो वैसे ये है कि एक बार जला लो थोड़ा तेज आग पे, फिर थोड़ा कम करके फिर डालो जो भी डालना है आपको मसाले, या अब जैसे मैं ये जो है इस बीच में बता देती हूँ, ये मेथी और पालक है, तो हेल्दी कड़ी है, तो ये मेथी करीब है 125 ग्राम, 125 ग्राम के आसपास, और पालक है 50 से 60-70 ग्राम, वो आप अपनी रख सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आपको खाना हो। अब ये हो गया गरम, और इसको हमने अच्छे से धो के, खूब अच्छे से धो के, क्योंकि साग में बहुत मिट्टी होती है, तो उसको अच्छे से धो लिया, और देखिए बारीक बारीक इसको चॉप कर लिया, तो मैं डाल रही हूँ इसको कढ़ाई में, सिम ही कर लिया क्योंकि लगातार धुआं निकल रहा है, ये हो गई पहला काम हमारा हुआ, ये कर सकता रह गया है, फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा तेज कर रहे हो ना, जिससे इसकी जब इसमें थोड़ी सी महक आएगी ना भुनने के बाद, तो फिर मैं इसमें ये डालूंगी, मीडियम पे कर लिया मैंने,
महक आ रही है थोड़ी सी, महक थोड़ा सा और हो जाए। पालक की तो ज़्यादा होती नहीं, यू नो मेथी की है थोड़ी सी, तो मेथी की होती है थोड़ी सी, क्या मेथी की थोड़ी सी आ रही है अभी, थोड़ी सी और हो जाए बन जाए। पानी है इसमें, आ रही है महक मेथी की? नहीं आ रही अभी, नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो जोर से बोल सकती हो, बुदबुदाती हो। सीपी कह रही है कैमरा पर्सन की अभी नहीं आ रही, मुझे आ रही है। मेरी नाक भी बन रही है, मेरे नाक में लगता है कि नाक भी तो बड़ी है मेरी, मोटी वाली छेद भी बड़े हैं सब ऑब्वियसली। तेज ही कर लिया मैंने इसको, आएगी कैसे, नहीं आएगी, मैं कहाँ जाएगी, थोड़ी तो पकानी है ना, कच्ची तो खानी नहीं है साग, वैसे कच्चे खाने तो ठीक है नहीं, तो पक जाए हल्की से। आपको इसे थोड़ा पानी दिख रहा होगा, बस हो गई काफ़ी है। अब इधर से हम आते हैं, इसको सिम पे करते हैं, और इधर लीजिए, और ये मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा, एक बार घुमा लूँ इसको, नीचे बेसन ना चिपका हो। ये मैं इसमें डाल रही हूँ और डाल दिया, देखिए इसमें बेसन है। ये मैं हटा निकाल लेती हूँ और इसमें जी, ये देखिए, ये है अभी इसका शक्ल, इसकी ऐसी है। तो मैं इसको इधर रखती हूँ और आती हूँ, अब ये इसका काम खत्म हो गया, ये करछी ले रही हूँ। अब वो तो सूखा ही लाने के लिए थी, अब इसमें पानी रह चुका है, इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी। पानी वानी आपको तो जैसे कंसिस्टेंसी रखनी हो वैसी रखिए, मैं तो मीडियम रखती हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, ये एक चम्मच, ये दो चम्मच, दो ही चम्मच भर भर के नमक डाले, ये और भी डाल रही हूँ। ठीक, अभी इसमें एक उबाल आएगा, उबाल आएगा तो इसको हम करीब मीडियम और सिम पे मीडियम और सिम पे हम इसको 15-20 मिनट काढ़ेंगे। कड़ी है तो काढ़नी तो है ही है, बनती है तो काढ़ेंगे, और उस बीच हम तड़के की भी तैयारी करेंगे। ये हम इसका वो तैयार रखते हैं, जैसे ही इसमें बॉईल आएगा नमक, तो मुझे लगता अभी शायद हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं पकौड़े भी डाल रही, तो हो सकता है ठीक भी हो नमक, तो इसलिए मैं अभी वो नहीं ले रही हूँ रिस्क। अगर मुझे कम लगेगा तो नमक तो यू नो कि इट कैन बी एडेड लेटर, तो कम नमक ज्यादा हो जाए तो उसका फिर बवाल हो जाता है कि फिर उसको निकालो कैसे, फिर कुछ तरकीबें करते रहो, उससे अच्छा है पहले कम डालो, फिर अगर मतलब नॉर्मल आपको लगता है जितना उतना डालो, और जब टेस्ट कर लो अगर लगता है कम है तो ऐड कर दो बेशक। देखिए मैं लेके खड़ी हूँ शील्ड, लग रहा है जल्दी से उबाल आ जाए, मेरे हिसाब से तो दुनिया चलती नहीं है, वेट तो करना पड़ेगा, सब्र तो रखना पड़ेगा, यू नो। इधर मेरे राइस तैयार है कड़ी के साथ, बॉइल्ड राइस, मैं मोस्टली आई है बॉइल्ड राइस और वो स्टार्च वगैरह निकाल के।
मिलाने की तो जरूरत वैसे नहीं है। ये देखो थोड़ा सा इसमें था, मैंने कहा क्यों ही छोड़ा जाए। ये गया नीचे, एक काम हुआ खत्म। ये देखिए लोग आजकल जरा जरा सी बात पे खोलने लगते हैं और ये इसमें उबाल नहीं आ रहा, मतलब बेवजह की बातों पे लोग खोल जाते हैं और या बातें होती ही नहीं है वैसे खोल जाते हैं। और ये तो इतनी देर हो गई, इसको हम खोला रहे हैं खुद नहीं खोल रहे। चलिए इसमें अभी जैसे ही आपको पता है एक अच्छा सा जो बॉयल आएगा उबाला आएगा तो हम इसको ढक के आधा ढक के बीच बीच में चेक करते रहेंगे जिससे ये ना तो गिरे फैले और उबलती भी रहे और इसको हिलाते रहे नीचे से चिपके भी। बेसन होता है तो चिपकने का थोड़ा सा वो रहता है कि चिपक सकती है। तो इसको हम अभी आ नहीं रहा, इसको हम यहाँ पे ये लगा के रखेंगे। आ गया देखिए, इसने कहा मेरी बेइज्जती कर रही है ये। ये मेरे साथ लुका छुपी खेल रहा है, खेल रही है कड़ी। अभी मैं बंद करने लगी थी बोल के अभी मैं इसको ढक के रख रही हूँ और फिर हम आएंगे तड़के के साथ। तो आ गया देखो, अब आ गया, थोड़ी देर रुक जाती हूँ नहीं तो फिर ये एटीट्यूड में आ जाएगी। ये देखिए आ रहा है, पास से दिखा दो, ये जो उबाल आ रहा है इसमें कड़ी में उबाल आ गया है, लिटरली कड़ी में उबाल आ गया है। तो ये अब हम इसको कवर करते हैं मीडियम आंच पे रख दिया, इसको हम 15-20 मिनट करेंगे काढ़ेंगे ठीक है। मैं इसको और फिर वापस आते हैं तड़के के साथ। स्टे ट्यून्ड प्लीज। चलिए